the best way for me to explain that is the line, Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेशी दौरे के दौरान दिए गए बयान के बाद जहां बवाल मचा हुआ है, तो वहीं मामले में बीजेपी ने पहले ही उनके बयान पर जमकर जुबानी हमला किया। लेकिन अब पूर्व सांसद के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा और उनके जानमाल, मजहब के सुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने इसके अलावा ये भी कहा कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की या सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और शोषण आम बात है, जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। एक के बाद एक किए गए ट्वीट में मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में ये भी लिखा, साथ ही राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ हेतु अनवरत और अनगिनत सांप्रदायिक दंगों और जातिवाद घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कारणों से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित और लाचार हैं। आपको बता दें कि अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि आज भारत में गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय एक दूसरे से नफरत करने में विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का एक छोटा समूह है जो व्यवस्था और मीडिया को नियंत्रित करता है, वो नफरत की आग भड़का रहा है। द बेस्ट वे फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट इज द लाइन, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay? Because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, and sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. वैसे इस मामले को लेकर जहां मायावती ने दलितों की बात कर राहुल गांधी के बयान को सच्चाई बताया, तो वहीं उनकी स्थिति के लिए कांग्रेस, बीजेपी और सपा को जिम्मेदार ठहराया, जो उनकी संतुलित राजनीति की झलक साफ दिखाता है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर खड़ा हुआ विवाद आखिर कहां तक जाता है।